मुद्दा राजनीतिक हो, सामाजिक हो या हो आर्थिक, बात चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनमुद्दों की हो या हो कानून की, अब बातें हो। दबंगों की मनमानी कोटेदार पर पड़ रही भारी। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले की, जहां बगैर राशन कार्ड के राशन लेने पहुंचे दबंगों को कोटेदार द्वारा राशन देने से मना करने पर दबंगों ने कोटेदार की कर दी जमकर पिटाई। वहीं दबंगों ने कोटेदार के रजिस्टर व मशीन के साथ की तोड़फोड़, तो वहीं कोटेदार की तहरीर के बाद भी छपिया पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई। दबंगों के दहशत से पीड़ित कोटेदार गांव छोड़ने को हुआ तैयार। कोटेदार ने एसपी से शिकायत कर लगाई न्याय की गुहार। यह पूरा मामला उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के छपिया थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत नारायणपुर गांव का बताया जा रहा है। देखें उत्तर प्रदेश गोंडा से सतीश वर्मा की खास रिपोर्ट। नाम आपका, कहाँ के रहने वाले हैं? यहाँ कोटेदार पे एक आरोप लगा है, कोटेदार द्वारा राशन नहीं वितरण किया जा रहा है, क्या है मामला? राशन पाइप तो है, आपको बराबर राशन मिल रहा है? बराबर मिलता है, कोई समस्या नहीं? नहीं, कुछ नहीं। यहाँ पे एक मामला ये भी आया है, कुछ दबंग किस्म के लोग कोटेदार से मारपीट किए हैं, क्या है, मारपीट सही है? हाँ सही है। अच्छा, कोटेदार के साथ मारपीट हुआ है? हाँ हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जज सिद्दीकी है, मैं नारायणपुर ग्राम का वासी हूँ और कोटेदार का यहाँ का पुत्र हूँ। ये लोग विपक्षी चुनावी रंजिश में हर बार की तरह कंप्लेन करते हैं, और गाँव वाले मेरे पक्ष में 250-300 लोग हमेशा दस्तखत लेके आए कि हम लोग हमेशा राशन पाते हैं। उस दिन भी यही हुआ, सब ने सप्लाई इंस्पेक्टर को गवाही दी कि हम बराबर राशन पाते, उससे विरोधी हताश थे। हताश होने के बाद वो लोग गाली क्लोज करने लगे। वहाँ पे कुछ लोग 20-25 लोग आए जिसके पास आधा राशन कार्ड ही नहीं है, ज़बरदस्ती राशन मांगने लगे। जब राशन कार्ड 3-4 वर्षों से नहीं है, मैं कहाँ से राशन दे दूँ? और उसमें कुछ उनके पक्ष के लोग थे, आके मेरे भाई को जो कोटा वितरित कर रहा था उसको मारे पीटे, मशीन पटके रजिस्टर उठा ले गए। हमने इसकी कंप्लेन की प्रशासन को, हमने इसकी शिकायत की, लेकिन हमारा मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। हमने माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय को और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को और पुलिस कंट्रोल अथॉरिटी को मैंने कंप्लेन किया है। हम लोग 15 दिन के लिए, अभी वो लोग विरोधी जो हैं, अब भी वो लोग हम लोग को मारने पीटने की धमकी दे रहे हैं कि गांव में रहने दे देंगे, पथराव करेंगे, जान से मार देंगे। हमें हमारी जान को खतरा है, सुरक्षित महसूस कर रहे, इसलिए माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय को हमने एक शिकायत पत्र भी दिया है कि हमको 15 दिन तक सुरक्षा प्रदान की जाए, उसके बाद हम गाँव में मौजूद कोटे से इस्तीफा देके और प्रधान पद से इस्तीफा देके गांव से पलायन करके हम लोग बाहर जा रहे हैं। हम यहाँ पे अपने खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, प्रशासन हमारी मदद नहीं कर रहा।